ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो लगा था कि आप चाहते हैं रोहित और रूही अपनी प्रॉब्लम सुलझा लें, दोनों एक हो जाएं। नहीं, नहीं। मैं अरमान और अभिरा को एक होते हुए देखना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो अभिरा से नफरत करते थे, ये क्या कह रहे हैं? आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। काजल, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरमान और अभिरा और करीब आएंगे तो मासा का गुस्सा बना रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि मासा अरमान को इस घर से इतना दूर करेंगे कि उसका वापस लौटाना मुश्किल हो जाएगा। फिर अभिरा अरमान को अपने साथ लेकर जाएगी। बचा रोहित। रूही अगर उसे छोड़कर चली गई तो रोहित को तो यही लगेगा ना कि वो उसे अरमान की वजह से छोड़कर चली गई है। रोहित और भी टूट जाएगा और तब जाके पोदार फर्म मेरी मुट्ठी में होगी। काजल, एक फर्म हत्याने के लिए अब हमारा पूरा परिवार तोड़ देंगे? हमारा परिवार नहीं काजल, पोदार परिवार। जाओ इस घर से, इस रिश्ते से, मुझसे बहुत दूर चली जाओ। यही तो तुम चाहती हो रूही? तुम्हारे नाम का सिंदूर लगा के, तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र पहन के मैं यही थी। तुम मुझे छोड़ के गए थे जब दादी सा ने कहा कि तुम, तब मैंने अपनी सुहाग की निशानियों का साथ छोड़ा था। उससे पहले मैं इसी घर में थी, तुम्हारे घर को अपना मान के मैं यही रह रही थी। पहली प्रॉब्लम आई नहीं कि तुम सर पे पैर रख के भाग गए। अरे अपने मूड स्विंग्स तो संभाल नहीं पाए, शादी को क्या संभालोगे? तुम शादी के लिए बने ही नहीं हो। रोहित की खुशी के बारे में सोचने का काम हमारा है तो सोचिए, लेकिन पहले रोहित को काम डाउन होने दीजिए, फिर उसे डिसाइड करने दीजिए कि वो अपनी जिंदगी में क्या चाहता है। प्लीज उसे और रूही को एक होने के लिए फोर्स मत कीजिए दादी साहब। रूही ने बहुत बड़ी गलती की है। इस घर में अगर कोई गलत है तो वो हो तुम। अब सच बताना, तुम नहीं चाहती ना कि रूही वापस घर आए, क्योंकि तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा है ही नहीं, तुम्हें अरमान पे भरोसा नहीं है। मैं यहाँ रोहित के बारे में बात करने के लिए आई थी, आपने तो मेरे ही प्यार पर सवाल उठा दिए। ठीक है, जवाब सुनिए। मुझे अपने अरमान पर पूरा भरोसा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।